नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर किया जोरदार हमला, कहा मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए हुआ है पैदा। पीएम ने कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा और ये है मोदी की गारंटी। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर किया हमला, कहा देश के हर कोने में दिखाई देता है अडानी का नाम। राहुल ने कहा गरीब परिवार की हर एक महिला के बैंक अकाउंट में हमारी सरकार डालेगी 1 लाख रुपए, एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी को खत्म करने का किया दावा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सताने लगा पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का डर, कहा आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में 1971 के ढाका संकट जैसे हालात। अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के नेताओं ने देश की जनता के लिए जारी किया उनका संदेश। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया एक आतंकवादी, आतंकियों की तलाश में सारे इलाके को घेर कर चलाया तलाशी अभियान, बड़ी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर आज जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग मोदी को कितनी गालियां दे दें, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। राजस्थान के करौली धौलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करौली धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। उन्होंने कहा कि करौली के लोगों ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि 4 जून को क्या परिणाम होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता है इसके लिए नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। पीएम मोदी ने कहा ये लोग मोदी को चाहे कितनी भी गालियां दे दे, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। ये मौके तलाशे हैं, यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले, मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज एक बार फिर अडानी का नाम लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान फलौदी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के जिस भी कोने में चले जाओ एक ही नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अडानी, बिजली अडानी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को दिया है। राहुल ने कहा कि मैंने उनके बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया तो वे मेरी
सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया। मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है। मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि मैं चुप हो जाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने आपसे अलग अलग वायदे किए, लेकिन किसान, मजदूर, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला को हमारी सरकार साल का 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट में तब तक डालेगी जब तक कि आप गरीबी रेखा से बाहर ना आ जाएं। और यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हों तो आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपये आते रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक झटके में हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। धन दोनों के पास उतना ही। नरेंद्र मोदी जी ने किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, किसी स्टूडेंट का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूर का 1 रुपया माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16,00,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। तो अब सवाल उठता है कि जो नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। आज मैं आपको वो बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में क्रांतिकारी काम है, यह दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए आपकी नई सरकार डालेगी। 8,500 रुपए हर महीना पहली तारीख को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपए डाल देगी। और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1,00,000 रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 हर महीने जाएंगे। पाकिस्तान फिर से 1971 की तरह टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। पीटीआई नेता इमरान ने आशंका जाहिर की है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मौजूदा हालात के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। इमरान खान ने अंदेशा जताया है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उस स्थिति में देश एक बार फिर से ध्वस्त होने की कगार पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 में भी ढाका संकट ऐसे ही आया था। उन्होंने देश की सरकार और संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी देश की स्थिरता के लिए जरूरी है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के नेताओं ने उनका संदेश देश की जनता के लिए जारी किया। इस संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए इमरान खान चिंतित हैं। मौजूदा हालातों में पाकिस्तान के संस्थानों के लिए खतरा है कि ऐसे में 1971 जैसी ढाका ट्रेजेडी हो सकती है। इमरान खान साहब बहुत पुरअज़्म नजर आए। उनके जहन में कुछ ख्यालात हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फिक्र भी है, और इन ख्यालात और इन अफकार का उन्होंने हमसे तकाजा किया कि हम आवाम के साथ, आपके साथ
इनको शेयर करें, आप तक ये बात पहुंचाएं। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को अपना फैसला दे चुके हैं, और अगर इस फैसले को अब झुटलाया जाता है जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है, इस फैसले को रद्द किया जाता है एक जाली रिजल्ट के ज़रिए, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी दलील हमारी तारीख भी है और इसकी दलील हमारी अक्ल भी है। देखिए, जब हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामने 1970 का इलेक्शन आता है। 1970 का इलेक्शन खान साहब ने बारहा कहा कि उनकी आंखों के सामने है। 15 मार्च 1970 वो ढाका में मौजूद थे, एक अंडर-19 टीम के साथ मैच खेलने, उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ क्या समा था। जब आप एक अवाम के दिए गए फैसले को वोट के ज़रिए, जो जमहूरी तरीका है, जो एक आईनी तरीका है, उसको आप रद्द करते हैं, तो उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। अवाम और रियासत का रिश्ता, खान साहब ने बारहा कहा, वोट के ज़रिए है। आप वोट को जब पामाल करते हैं, वोट को इज़्ज़त नहीं देते, तो आप अवाम को इज़्ज़त नहीं देते, और जब आप अवाम को धुतकारते हैं तो आप नहीं ये मफरूज़ा कायम कर सकते कि मईशत तरक्की करेगी, मुल्क जो है मुस्तहकम रहेगा। यही कुछ 1970 में हमने भुगता। उस वक्त के डिक्टेटर याहिया खान का एक 10 साल प्लान था, उनका ये ख्याल था। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है और इलाके में तलाशी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला पुलवामा के फ्रैसीपोरा इलाके में आज सुबह तड़के इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी गोलीबारी की और एक आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ स्थल पर एक अज्ञात आतंकवादी का शव देखा गया है, जबकि इलाके में अभी भी तलाशी जारी है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बिजली विभाग लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। मनीष साहनी ने कहा कि विभाग के अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। मनीष साहनी ने सरकार से लोगों के बिजली बिलों को ब्याज मुक्त करने और किश्तों में जारी करने के लिए स्कीम शुरू करने की मांग की, ताकि लोगों को राहत मिल सके। विभाग द्वारा जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है, रातों रात जो है लोगों की बिल ना जमा करवाने पर बिजली को जो है काट दिया जाता है, उसके बाद जनता को जो है वो मजबूर किया जा रहा है तपती गर्मी के अंदर, अंधेरे के अंदर रहने के लिए। जहाँ तक शिवसेना का मानना है, हमारी तो मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो निशुल्क बिजली पानी की हकदार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन और जल बिजली परियोजनाएं हैं कि हम अपनी खपत से ज़्यादा की पैदावार कर भी रहे हैं और आधे देश को बिजली सप्लाई कर भी सकते हैं अगर जल बिजली परियोजनाओं का जो है वो विस्तार किया जाए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पहले ही आतंकवाद ग्रस्त राज्य रहा है, इसके साथ साथ हम सर्वाधिक महंगाई से। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने नवरात्रों के दौरान फूलों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में आज प्रदर्शन किया और सरकार से इस आसमान छूती कीमतों पर रोक लगाने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि नवरात्रों के दौरान बाजार में फलों, सब्जियों और फूलों की कीमतों में भारी उछाल आया है और ये सभी चीजें गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द कालाबाजारी और मनमानी कीमतें वसूल करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करता तो वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेचने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, तो क्या कर देते हो भाई? में वातावरण के अंदर, माता में वातावरण के अंदर हम बड़ी बड़ी ढीकी आंकने का प्रयास कर रहे हैं और 200 रुपया किलो फूल को लेकर के चलाने का प्रयास करेंगे, कोई चेकिंग नहीं है। जो जिस दाम पे जिसकी जो मर्जी कर रही है उस दाम पे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ
इस फूल का दाम 350 रुपया है, ये 200 रुपया 350 रुपया है, और व्हाइट फूल 150 रुपया है। एक हार की कीमत, ये हार 50-50 रुपए का हार एक बिक रहा है, और हम नवरात्र मनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे संधरों पर, ये गुंडागर्दी छाई हुई है, और हर के त्यौहार जिसके भी त्यौहार है उस पर डिप्टी कमिश्नर बैठ करके चर्चा करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ के त्यौहारों पर नींबू, नवरात्रों के अंदर नींबू प्रयोग होते हैं, क्या भाव है? 240 रुपए। अदरक का भाव क्या है? 200 रुपया। द्रेऊ आटे का भाव क्या है? वो भी मिक्स आटा बिक रहा है, डुप्लीकेट आटा बिक रहा है, और उसका भाव क्या है? 200 रुपया। जितनी भी चीजें, एक कचालू जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं, उसका भाव क्या है? 100 रुपया किलो। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कार्रवाई करने का प्रयास क्यों नहीं करती है, और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो हैं उनको पकड़ करके अंदर क्यों नहीं करती है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और खास करके अब ये फूल देखने वाला रह गया है, ये फूल 200 रुपया किलो देखने वाला रह गया है, आप इसको लेकर के मंदिर के अंदर प्रयोग करना, सबके धर्म बराबर है, और सब पर कार्रवाई, जो कोई अगर ऐसे लोग, उनके पीछे रेट देखो ना जी, अगर पीछे कोई महंगा कर रहा है उसको पकड़ो, बिल होगा पीछे, आगे बेचने का बिल होगा, यहाँ वाले अगर पीछे उसको महंगा लगा रहे हैं तो पीछे वालों को पकड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ इन नवरात्रों के अंदर फूल, नींबू, ये पालक 50 रुपए किलो, पालक अदरक 150 रुपया किलो, इसलिए मांग कर रहा हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा जिले के ब्रामरी इलाके में आज दोपहर 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें वाहनों में सवार कम से कम 8 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक एक इको कार नंबर JK09C3081 का एक टाटा सुमो, जिसका नंबर JK09 1114, मैदानपुरा ब्रामरी में आमने सामने टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में घायल व्यक्तियों को SDH कुपवाड़ा ले जाया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल हंदवाड़ा ले जाया गया। प्राइम टाइम के आज के संक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत, और आप जुड़े रहिए द 4th Fun इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।